एक व्यक्ति था कैरोली। किस किस ने ये नाम सुना होगा अपने जीवन में कैरोली? दो तीन जनों ने सुना होगा, बाकी नाम भी सुना ही किसी ने सुना। तो चलो बात करते हैं कैरोली की। नाम भी बहुत गजब और काम भी बहुत गजब। तो देखो ये एक व्यक्ति था, एक देश में रहता था हंगरी। नाम सुना होगा आपने, हंगरी का रहने वाला था कैरोली। इसके जीवन का एक सपना था, आपने भी अपने जीवन में कई सपने देखे होंगे और उसे पूरी करने की चाहते रखते होंगे। तो इसका भी एक सपना था और वो सपना क्या था? दुनिया का नंबर वन, दुनिया का नंबर वन, देश का नंबर वन नहीं, दुनिया का नंबर वन निशानेबाज बनना है। दुनिया का नंबर वन, ये इसने क्या देखा था? सपना। और इस सपने को देखने के लिए ये आर्मी में चला गया, क्योंकि खुद के पास इतने पैसे नहीं थे कि लगा सके, इसलिए आर्मी में चला गया। और आर्मी में क्यों गया? क्योंकि आपको पता है वहां पे क्या सहूलत मिलती है, सही है। तो अब देखो ये आर्मी में चला गया, कब की बात है? 1938 की बात है। 1938 के अंदर ये आर्मी में आ गया, इनके से पहले आर्मी में आ चुका था। 1938 की बात मैं कहानी शुरू कर रहा हूं आपको। तो देखो कि उस समय इसकी उम्र 28 वर्ष बताई गई है। कितने वर्ष का था ये? 28 वर्ष। अब देखो इसने जो सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए आर्मी में आने का मकसद क्या था? आर्मी में इसका पहला मकसद यह था कि मैं निशानेबाजी से और जबरदस्त निशानेबाज हूं। तो ये उस पर कार्य करना शुरू कर दिया, निशानेबाज बन गया। कहानी चलती रही, एक साल बीत गया, क्या नहीं, 1938 से 1940 तक। अब देखो हुआ क्या, 1940 से पहले की बात है, ठीक है। हुआ क्या कि इसके हाथ में एक हैंड ग्रेनेड, समझते आप, बम मान लिए थे, वो फट गया। इसने अपने राइट हैंड को अपना बेस्ट हैंड बनाया कि मैं क्या करूंगा, आने वाले टाइम में निशाना बाजी लगाऊंगा। लेकिन उस हाथ में हैंड ग्रेनेड फट गया और हाथ चला गया। अब जब ये अस्पताल से दोबारा उठा और इसको पता लगा कि मेरा वो हाथ चला गया जिससे मैंने अपना सपना पूरा करना था, तो इसका सपना टूट गया। लेकिन ये फिर खड़ा हुआ, हिम्मत किया और 6 महीने तक इसने अपने दूसरे हाथ को, जिस हाथ से ये खा भी नहीं सकता था, पी भी नहीं सकता था, कोई काम नहीं कर सकता था, इसने सपना देखा कि मैं अपने एकमात्र हाथ को अपना बेस्ट हाथ बनाऊंगा। सोच के देखो कितनी बड़ी कमिटमेंट है, जिस हाथ से कुछ कर नहीं सकता उस हाथ को क्या बनाऊंगा, अपना बेस्ट बेस्ट शूटर बनूंगा। सपना अभी तक मरा नहीं था, परिस्थितियां खिलाफ थी, लेकिन फिर भी सपने के लिए रेडी था। यस या नो? अब इसने सोचा कि मैं क्या करूं, प्रैक्टिस शुरू कर दिया, ठीक है। 1939 के अंदर नेशनल चैंपियनशिप शुरू हुई देश के अंदर हंगरी में। तो ये उस चैंपियनशिप में आया, तो जो इसके साथ के व्यक्ति थे जो निशानेबाजी करने वाले थे वो जानते थे कि कैरोली आ चुका है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आया है, ये हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आया। तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई कि कैरोली हमसे मिलने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आया। लेकिन कैरोली हौसला बढ़ाने के लिए नहीं आया था, वो तो कमबख्त पिछले 6 महीने से लगा पड़ा था और आया और वहां खड़ा हो गया। तो उसने कहा आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए, हमें बड़ा अच्छा लगा। वो कहना हौसला बढ़ाने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन करने के लिए आया हूं। तो वो कहे अब तेरे तो आज चले क्यों, तू कैसे करेगा? तो उसने उत्तर कुछ नहीं किया, खड़ा सभी से मिलके, वहां के जो राष्ट्रपति वगैरह वो मिलके चले गए। बाद में निशानेबाजी लगाने की बारी आई तो सबसे एंड में करोली है, और करोली ने निशाना लगाया। और क्या निशाना लगाया, गोल्ड मेडल जीत लिया। सब आगे सब देख के दंग उसके सामने, यार क्या होता है। अभी इसका सपना पूरा नहीं हुआ था, इसने देखा था सपना दुनिया का बेस्ट निशानेबाज बनने का। यस या नो? अभी सपना पूरा नहीं हुआ। अब ये आगे के सोच रहा था कि क्या कि 1940 में ओलंपिक होगा, मैं उसमें भाग लूंगा और निशानेबाजी लगाकर दुनिया का बेस्ट निशानेबाज बन लूंगा। 1940 के अंदर ओलंपिक होने की बारी आई, ओलंपिक रद्द हो गया, कैंसिल।
सर क्यों? सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो चुका था, याद आया? सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और अखबार में न्यूज छपी कि इस बार ओलंपिक रद्द किए जाते। कैरोली का एक बार फिर सपना चूर चूर, लेकिन कैरोली ने फिर हिम्मत की, उसने कहा मैं अगले ओलंपिक के लिए खेलूंगा, अगले ओलंपिक के लिए खेलूंगा, अगले ओलंपिक के लिए अपने आप को तैयारी शुरू कर दी। समय बीतता गया, तैयारी शुरू, लेकिन 1944 तक सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ नहीं हुआ? 1945 में खत्म हुआ था, अगर आपको बताओ। सेकंड वर्ल्ड वार चलता रहा, अखबार में फिर न्यूज छपी, इस बार भी कैंसिल नहीं होगा। कैरोली एक बार फिर, आप सोचो विपरीत परिस्थितियां है कि नहीं है, लेकिन कैरोली ने हार, उसने अपने टारगेट अगले प्रेजेंट किया कि मैं अगला ओलंपिक, यस या नो? 1938 से 1948 आ गया, कितना आ गया? 1948 आ गया। अब कैरोली कितने साल का हो गया सोच के देखो, इस उम्र में व्यक्ति रिटायरमेंट ले लेते हैं, यस या नो? लेकिन कैरोली फिर पहुंचा, करोली फिर पहुंचा, किसके लिए? निशानेबाजी के लिए, दुनिया का बेस्ट शूटर बनने के लिए और आगे। और इसने क्या किया आपको पता है? करोली ने निशाना लगाया और जीत, एक बार फिर गोल्ड मेडल, दुनिया का बेस्ट निशानेबाज बना। सोच के देखो, जिस हाथ से निशाना भी नहीं लगा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, जीत गया। लोगों को लगा तुक्का लग गया होगा, लोगों को क्या लगा? तुक्का लग गया। लेकिन कैरोली यही नहीं रुका, कैरोली करता रहा, निशानेबाजी करता रहा, लगा रहा, लगा रहा। फिर 1952 का ओलंपिक आया, कैरोली फिर आया, कितने साल का हो गया? कैरोली फिर आया, फिर निशाना लगाया और फिर गोल्ड मेडल जीत लिया। तो सोच के देखो, दुनिया में एकमात्र ऐसा खिलाड़ी जिसने दो बार उस समय निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता और इतिहास। तो ये था कैरोली की कहानी।